नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर। निर्भया कांड की आरोपी मुकेश की पुनर्विचार याचिका भी खारिज, राष्ट्रपति ने पहले ही निरस्त कर दी थी दया याचिका। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बहन चंद्रांशु समेत ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, कहा मोदी है प्रेरणा के स्रोत। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अमेंडमेंट बिल पर कैबिनेट की सहमति, अब 6 महीने तक करा सकेंगे गर्भपात। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने चीनी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध करने पर उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव पवन वर्मा अपनी ही पार्टी जेडीयू से निष्कासित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीएए विरोधी प्रदर्शन में भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल के छात्रों को डीन का फरमान, राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का दिया आदेश। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में हुए तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत की जीत, रोहित शर्मा रहे मैन ऑफ द मैच। तो ये थी आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए सुनते रहिए न्यूज कैचअप।